दोस्तों लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो अपडेट है वो है रजौली बख्तियारपुर, ये जो पुल है ये 17 नंबर में बन रहा है। इस रास्ते से आप मतलब अभी पटना जाने के लिए रास्ता ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके से नूर सराय होते हुए पटना चले जाएगा और सीधे बिहार शरीफ है और इस साइड बख्तियारपुर है। तो यहाँ भी आप वर्क देख रहे हैं कि 4 लेन का लगभग वर्क कम्प्लीट है और आगे का भी इस साइड काम हो रहा है। अभी ये बहुत पुराना है, बहुत दिनों से इसी तरीके से है। 4 वो पुल बना हुआ है, मतलब पिलर बना हुआ है। इसके अलावा और अप्रोच रोड ये सब अभी किसी तरह का वर्क नहीं है और इस तरीके से इस साइड भी मट्टी भराव का काम हो चुका है। आगे चलिए, आगे देखता हूँ, आगे का अपडेट देखता हूँ। और ये मोरा तालाब है, ये तालाब जो देख रहे हैं यही मोरा तालाब के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पुल बन रहा है, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, लगभग 200-250 मीटर लंबा पुल है और पुल का वर्क आप देख रहे, देखिए इस तरीके से यहाँ पर पिलर का काम हो चुका है। अभी पिलर कैप का काम बाकी, इस साइड में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, इस साइड में भी 2 पिलर हो चुका है जो कि बिहार शरीफ साइड है और इस साइड जो है कि आपको बख्तियारपुर साइड है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, आगे का अपडेट देता हूँ। और देखिए एक सीध में पिलर यहाँ का लगभग कंप्लीट है, 1 या 2 ही बाकी है और इस साइड से घर भी बहुत सारा तोड़ा गया है। विकास जहाँ होता है वहाँ थोड़ा बहुत क्षति भी होती है, उसको इग्नोर करते हुए देखिए जब ये बन जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरेंगी और रोज़गार बढ़ेगा। फिर जैसे ही मतलब मोरा तालाब से आगे, बिहार शरीफ से मोरा तालाब से आगे बढ़ते तो ये भागन भीगा है और इस साइड यहाँ पे भी पुल बन रहा है, ये भी लगभग 750-800 मीटर लंबा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आगे का वर्क और अपडेट। और इस साइड बिहार शरीफ है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, और इस साइड बख्तियारपुर। तो चलिए बने रहिए, आगे का अपडेट आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पर वर्क चल रहा है और ये इसका डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 23/5/2022 है और पिलर A1 लिखा हुआ है, पिलर नंबर 1 है कि पता नहीं, आगे चल के मैं आपको आगे का डिटेल देता हूँ। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक। और इसका स्ट्रक्चर बहुत हाई लेवल का, क्योंकि एक ही पिलर पे 4 लेन बनने वाला, जो कि आप खुद देख रहे हैं, देखिए कितनी मोटाई है और कितनी चौड़ाई है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये गावर कंपनी बना रही है और देखिए किस सिद्ध में किस तरीके से पिलर नंबर, ये P2 है, P1 है, ये P1 है, P1 वो है, P2 इस पर नहीं लिखा हुआ लेकिन P2 इस पर लिखा हुआ है, शायद उसे तोड़ दिया जाएगा, P1 जिस पर मजदूर लगा हुआ था। तो चलिए आगे तक बने रहिए, यहाँ पर गटर का भी काम चल रहा है, गटर देखिए उस साइड में रखा हुआ है। चलिए आगे तक आपको अपडेट देता हूँ, दिखाता हूँ। हाँ ये पिलर 3 है, वो पिलर 4 है, इस साइड से मैं आ रहा हूँ तो जिस पे मज़दूर लगा हुआ था वो पिलर 1 को तोड़ा जा रहा है, पिलर 1 उसके बाद रहेगा, उसके बाद 2, 3, ये 3 है, उसके बाद आगे में 4 है और बहुत हैवी इसे बनाया गया, बहुत मजबूत बनाया गया जो कि आप देख रहे हैं इसको। चलिए मैं और आगे आपको अपडेट देने की कोशिश करता था कि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ढलैया का काम चल रहा है, सरिया उरिया को ढलैया करने के लिए आगे का काम यहाँ पे मशीन लगा हुआ है और साइड में आगे का काम दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से जो है कि पिलर का काम हो चुका है, ये पिलर नंबर 6 है और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 25/4/2022 है। देख रहे हैं एकदम एक सिद्ध से आपका जो है कि पिलर का काम हो चुका है, जो कि आप बखूबी देख रहे हैं, बेहतर तरीके से देख रहे हैं। चलिए मैं आपको लास्ट तक दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये लगभग 750-800 मीटर लंबा होने वाला है, लेंथ की बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। जब ये अलग से एक मेरा वीडियो है जिसपे कि मैं पूरा अच्छे से डिटेल दिया हूँ, ये अब डायरेक्ट वहीं पर वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए हमें याद नहीं है, इसलिए इसको माइंड मत कीजिएगा, कम ओवेस हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, सिर्फ वर्क अपडेट को देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर काम हो चुका है और वहाँ पर गड्ढा रखने का भी काम चला जो कि मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर किस तरीके से गड्ढा रखा जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी मशीनें से किराने से गटर रखने का काम चल रहा है और एक पिलर पे गटर रखा चुका है। तरीके से आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे पिलर का काम हो चुका है, गटर का भी काम हो चुका है और दूर आप देख रहे हैं इस तरीके से काम आगे का हो रहा है। और इस साइड में बिहार शरीफ से आके लेकर के आपको आ रहा हूँ और यहाँ पर मेन गटर का काम चल रहा है। पिलर नंबर भी मैं आपको बता ही देता हूँ, पिलर नंबर 9 तक गटर का काम हो चुका है, इस तरफ 8, 7, 6 आगे का काम आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके ढलैया की जा रही है, वो आप बेहतर देख रहे हैं और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, पिलर नंबर, हर चीज़ यहाँ पे क्लियर है। चलिए आगे तक और दिखाता हूँ। इस तरफ भी मतलब बख्तियारपुर साइड भी पिलर का काम हो चुका है और ये पिलर नंबर, ये जो है ये पिलर नंबर 18, इस साइड भी पूरा पिलर का काम कम्प्लीट हो चुका है और उस साइड भी आगे का गटरिंग का काम चल रहा है। चलिए देखते हैं इधर में कहाँ और काम चल रहा है। वैसे ढलैया की बात करें तो लगभग जगहों पे पिलर कैपिंग का काम हो चुका है। मैं पहले भी कहा था कि एक ही पिलर पे 4 लेन होने वाला है, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं, देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी काम कर रहे हैं मजदूर और उसको खोला जा रहा है। उसी तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पिलर नंबर 26 और 27 के बीच में भी पिलर गटरिंग का काम हो रहा है, मतलब गटर रखा जा रहा है, जो स्लैब होता है उसको रखा जा रहा है। चलिए और आगे आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ।
और इस तरीके से ये जो है ये बीटा सरमेरा रोड है जो कि आप देख रहे हैं। बीटा सरमेरा का ये स्टेट हाईवे है आगे जो है, जिसका कि अपडेट मैं दे चुका हूँ दनियावा तक, और इस साइड कंप्लीट है। ये सामने जो देख रहे हैं डेंटल कॉलेज है, तो चलिए और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और इस साइड आप चले जाइएगा तो आप सरमेरा चले जाइएगा, आगे फिर से कूड़ा चले जाइएगा, बड़भीघा चले जाइएगा, और इस साइड आप बिहार शरीफ आप चले जाइएगा। और इस तरीके से आपका 30 पिलर यहाँ पे काम हो चुका है। ये 28 है, 29 है, 30 है, और बस ये आगे का काम नहीं हुआ है, ये 52 बीघा का है। थोड़ा सा बोलने में गलती हो सकता है, जो लोग लोकल होंगे वो बोल सकते हैं, इसीलिए 52 बीघा हो सकता है या 52 बीघा कुछ भी, लेकिन ये जगह का नाम है। और इस साइड से ये आपका बिहार शरीफ है। तो यहीं तक का अपडेट है, तो वीडियो बताइएगा कैसा रहा। चलिए और आगे आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।